मैं सॉफ्ट वैक्स और हार्ड वैक्स दोनों बनाना दिखाऊंगी। वैक्स बनाने के लिए चाहिए 1 कप शुगर, 1/4 कप ऑफ प्लेन वाटर, 1/4 कप ऑफ हनी, 1/4 कप ऑफ लेमन जूस। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। एक कंटेनर में शुगर, वाटर, लेमन जूस और हनी ऐड करना है। फिर सारे चीज़ों को मिक्स करके ओवन में मीडियम टू हाई फ्लेम में बॉईल करना है। बॉईल करने के टाइम बहुत केयरफुल रहिए, कीप ऑन स्टेयरिंग इट ताकि ये चिपक ना जाए या फिर बर्न ना हो जाए। जब ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाए तब फ्लेम ऑफ कीजिए। फिर एक बोल में पानी लीजिए और इस मिक्सचर से 1 टीस्पून लेके उस पानी में ड्रॉप कीजिए। अब इसे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने का कोशिश कीजिए। अगर ये कुछ इस तरह का दिखा तो ये सॉफ्ट वैक्स के लिए एप्रोप्रिएट है। अब एक बोल लेके कुछ शुगर मिक्सचर अलग से रखिए सॉफ्ट वैक्स के लिए और इसे ठंडा होने दीजिए। बाकी के मिक्सचर को फिर से बॉईल कीजिए। जब इसका कलर कुछ ऐसा दिखे तब फिर से एक बोल में पानी लेके इसका थिकनेस चेक कीजिए। अगर ऐसा दिखा तो ये हार्ड वैक्स के लिए एप्रोप्रिएट है। अब इस शुगर मिक्सचर को एक बोल में डाल दीजिए। इसे पूरा ठंडा मत कीजिए, नहीं तो ये बोल के साथ चिपक जाएगा। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद एक स्पून से इसे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके एक बॉल बनाने का कोशिश कीजिए। जब ये करीबन ठंडा हो जाए तब अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए। फिर इस बॉल को हाथों में लेके इसे बार बार पुल कीजिए और फिर एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ऐसा करने से धीरे धीरे इसका कलर और टेक्सचर चेंज हो जाएगा। जब ये गोल्डन हो जाए तब इसे प्लास्टिक में रैप करके रखिए। आप इसे 1 to 2 month के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। अभी मैं सॉफ्ट वैक्स अप्लाई करके दिखा रही हूँ। एक बटर नाइफ या फिर स्पून से इस ठंडे शुगर वैक्स को अपने स्किन के ऊपर अप्लाई कीजिए जहाँ आप हेयर रिमूव करना चाहते हैं। इसे पतले लेयर में अप्लाई कीजिए। फिर एक हार्ड पेपर लेके इस लेयर के ऊपर चिपका दीजिए। फिर 5 to 10 seconds इस पेपर के ऊपर अपने हाथ को अच्छे से रब कीजिए। फिर इस पेपर को एक ही झटके में पुल कीजिए। पानी में भिगोया हुआ टॉवल से इस पोर्शन को क्लीन कर लीजिए। यू कैन सी द डिफरेंस। अब हार्ड शुगर वैक्स का एप्लीकेशन दिखा रही हूँ। अपने जरूरत के हिसाब से वैक्स लीजिए। इस वैक्स को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब जरूरत पड़े तब निकाल के थोड़ा सा गर्म करके इसे फिर से यूज कर सकते हैं। मैं इसे अपने हस्बैंड के पैरों में अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जिनका बॉडी हेयर ज़्यादा और हार्ड है उनके लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इस वैक्स को स्किन के ऊपर चिपका के अच्छे से स्प्रेड कीजिए। Then pull it up.
यू कैन सी द इफेक्टिवनेस। इसी वैक्स को यूज करके आप बार बार अलग अलग पोर्शन का हेयर रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।